वेलकम बैक टू माय चैनल द गाइस। आ गया हूँ आप सबके लिए एक नई वीडियो लेके। और सबका क्वेश्चन आता है कि वे टू स्पीड कराएं या आउटेक्स, तो आपको दोनों में एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए ये मेरे पास आउटेक्स आया हुआ है और ये क्या हुआ है, लीक हो गया है यहाँ से साइड से। देखिए यहाँ से एक स्पोक से ये लीक हो रहा है यहाँ पे। अब मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली एक टेप है। देखिए एक तरीके की, देखिए बिल्कुल टेप है। तो टेप का इसका कोई भरोसा नहीं कि देखिए ये जैसे इसने जॉइंट छोड़ दिया यहाँ से, वैसे ये कहीं दो तीन जगह से, देखिए यहाँ से भी एक जगह से, यहाँ से देखेंगे तो ये भी यहाँ से भी जॉइंट छोड़ने वाली है। तो मतलब देखा जाए तो ये आउटेक्स जो है इसमें इंटरसेप्टर का ये व्हील है और हिमालयन वगैरह में समय लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी इस भाई के साथ क्या दिक्कत है कि जो एक स्पोक से ही हवा लीक हो रही है, खाली रियर टायर, फ्रंट वाले में नहीं। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, इसको वे टू स्पीड में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको मैंने कहा दिखाता हूँ कि जो आउटेक्स है कैसे देखिए फेल होता है। और ये वे टू स्पीड अपना क्या है, ये बेसिकली टेप है। तो ये क्या है, जो लीक टाइप का सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन क्या करता है, इसमें लगाते हैं जब हम फर्स्ट, अभी ये फर्स्ट बोर्ड लगा हुआ है तो फर्स्ट बोर्ड क्या करता है, इस पर बिल्कुल देखिए सील्ड कर दिया है इसको बिल्कुल। तो जो सेकेंड बोर्ड लगेगा तो ये बिल्कुल सील्ड हो जाएगा। तो ये क्या, इसमें कोई फटने का या कोई कटने का डर नहीं होता, खाली अगर किसी से काट दिया जाए, किसी चीज़ से फट जाए वैसे तो ही डैमेज हो सकता है। वैसे जैसे ये टेप छूट गया है, यहाँ से एयर लीक हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है इसमें। तो मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ कि इसमें होगा क्या। ये तो गाइस ये है, देख सकते हैं अपना। देखिए ये जो है यहाँ से, देखिए पिन टच कर डालूंगा इसमें से, ये देखिए ये है, यहाँ से लीक हो रहा है। तो भाई ने क्या करा, इसका स्पोक भी लूज और टाइट करके देख लिया कि कहीं यहाँ लूज और टाइट करने से बंद हो जाए। तो देखिए घूम रहा होगा स्पोक, देखिए कैसे घूम रहा है। तो ये बाकी यहाँ से लीक हो गया एक स्पोक से, तो एक स्पोक लीक होगा तो हवा निकलती रहेगी। तो और ये अपना वे टू स्पीड का, तो मैं अब जा रहा हूँ इसको निकालूंगा, इसको क्लीन करेंगे और इसमें लगाएंगे, वे टू स्पीड इंस्टॉल करेंगे। आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें कैसे इंस्टॉल करना है। और मेरे हिसाब से जो वे टू स्पीड है बहुत बेस्ट है। आउटेक्स देखिए ये हो गया आप, ये निकाल दिया मैंने ना आउटेक्स। तो ये था आउटेक्स का कुछ हाल। अब इसमें करेंगे वे टू स्पीड का कन्वर्जन। तो ये मैंने देख सकते हैं आउटेक्स निकाल दिया फ्रंट का और रियर का दोनों। देखते हैं ये फ्रंट वाला जो व्हील है क्लीन कर रहा है, बहुत बुरा हाल है इसका क्लीन करने के लिए। और ये देखिए अब इसमें जो इसका गम है, ये देखिए चिपका पड़ा है, तो इसको हमें क्लीन करना पड़ेगा। कोई कम से कम 2-3 घंटे तो लगेगा इसको साफ़ करने में। और एक चीज़ और दिखा दूँ आपको, आउटेक्स जो लगता है तो ये जो आपके वॉल होते हैं, जो बेसिकली स्पोक्स होती हैं, इनको घिस के लगाया जाता है यार। तो ये घिस के लगाने का एक स्पोक की स्टेंस कम हो जाती है इसकी, यहाँ से जैसा टाइट करने खोलने का जो होता है वो भी कम हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आउटेक्स आपका मतलब जो आपने अपनी पसंद है आप क्या करा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आउटेक्स ना करा के वे टू स्पीड कराएं आप। देखो ये देखिए कैसे इसको ग्लेंडर से घिसा हुआ है, हाथ से नहीं, रेगमार से नहीं, वो ग्लेंडर से इसको घिस गया है पूरा। तो चलिए इसको क्लीन कर लेता हूँ, पहले क्लीन करके फिर दिखाता हूँ वो कैसी हालत है इसकी। चलिए तो लो जी दोस्तों, अपना व्हील जो है क्लीन हो चुका है, मैंने दिखाई दिया आपको और अलाइनमेंट भी करा दिया मैंने। और ये देखो कैसे इसके स्पोक जो हैं आधे आधे घिस दिए इन्होंने, रेगमार से घिसा नहीं, ग्लेंडर से घिस दिया है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लगा देते हैं, आप लगाते हैं इसमें वे टू स्पीड। आउटेक्स जो है आपने देखा ही हटाई दिया था मैंने, और इसमें लगाते हैं वे टू स्पीड, देखते हैं तो दिखाता हूँ कैसे। जो फर्स्ट कोट है वो मैंने लगा दिया दोनों व्हील में, देख सकते हैं। और अब इसको छोड़ देते हैं, अगले दिन जो है इसका जो सेकंड कोट लगाऊंगा, फिर उसके बाद 2 दिन छोड़ेंगे, टायर सूख जाएगा क्योंकि गर्मी का टाइम है तो जल्दी सूख जाता है। तो 2 दिन बाद ही टायर चढ़ा दूंगा इसमें। तो बाकी अभी खड़ी है, अब देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटरसेप्टर खड़ी है ट्यूबलेस के लिए, हिमालयन ट्यूबलेस के लिए खड़ी है। बाकी ये पहिया लगा के छोड़ रखा मैंने, एक बाहर वहाँ पर
एक उधर देखो टेंट सब वहाँ पे खड़ी है देखो। तो अभी ट्यूबलेस का काम चल रहा है अभी, तो बाकी अभी और भी बाइक आएंगी तो अभी करते हैं इसको। मैंने आपको इसलिए बनाया कर दिखाया कि आपको वेट जो आउटेक से कैसे देखिए और वेट टू स्पीड में क्या है। देखिए यहाँ से कभी भी यहाँ से जो है जॉइंट से ये जो है ये यहाँ से कभी क्रैक नहीं होगा ना, यहाँ से कभी लीकेज का तो नहीं हो सकता। अगर कोई डैमेज हो जाए कोई फट जाए तो ही हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता ये। तो चलिए इसको सूखने देते हैं, मिलते हैं आपसे। तो लो जी गाइस देख सकते हैं अपना जीटी का जो व्हील है ट्यूबलेस हो चुका है, ये देख सकते हैं वेट टू स्पीड की नलकी वगैरह लग गई है। टायर चढ़ा दिया मैंने, पुराने टायर है बाइक के परेली के टायर लगे हुए थे तो ये लगा दिया। दोनों व्हील ट्यूबलेस हो चुका है। अब बाइक तो हमारे पास खड़ी नहीं थी कि भाई ने पहिया लाए थे तो बाइक को पहिया दे देते हैं भाई को। और वेट टू स्पीड इसमें अपना सक्सेस हो चुका है। थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगी हमें इसमें लगाने में, क्योंकि इसमें जो आउटेक्स था उसको निकालना पड़ा और उसको लगाने में बहुत मेहनत लगी। तो चलो जी भाई को पहिया दे देते हैं और ट्यूबलेस हो चुका है। दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कैसे कि जो मैंने इसको जो है वेट टू स्पीड में कन्वर्ट कर दिया है, जो है आउटेक्स निकाल के वेट टू स्पीड में कन्वर्ट किया है। तो जो अपनी वेट टू स्पीड की किट है आप सबको पता है कि इसमें जो है जैसे ये है टेप जो ज्वाइंट से छूट जाए वो हो जाए, ऐसा कोई इसमें वेट टू स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें कट लग जाए कुछ फट जाए किसी कारण डैमेज हो जाए तो निकल सकता है, एंड ऐसे कभी भी नहीं निकलेगा, चाहे आप इसको 4 साल बाद देखें चाहे 5 साल बाद देखें चाहे 2 साल बाद देखें, तो ये ऐसा उसकी तरह टेप की तरह निकल नहीं जाएगा। तो रही बात आपकी जो आपको दिखा दें कि मैंने कैसे इसका जो है आउटेक्स निकाल के वेट टू स्पीड कन्वर्ट कर दिया। और बाकी इसमें कई लोगों का क्वेश्चन होता है टाइम कितना लगता है, तो आपको बता दूँ 6 से 7 दिन लगता है इसको पूरे प्रोसेस में। और आउटेक्स जिसमें लगा हुआ था इसको निकालने में 3-4 घंटे लग गए, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो गया था ये वाला। तो बाकी अगर आप कभी भी लगाते हैं तो आप उसको टाइम जरूर दीजिए, कभी भी लगाएं, ये नहीं कि तुरंत जल्दी से जल्दी लगा के दे दें हम। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान रखें, और चाहे कहीं से भी लगाइए। और ख़ास करके हिमालयन की बात करता हूँ आपको कि हिमालयन में लगाते हैं आप तो उसकी जो जब कभी भी लगाएं जो लेयर लगाएंगे वो तो मल्टीपेयर लेयर लगाएं, डबल करके 2 बार में लेयर लगाएं, 1 बार में ना लगाएं और बिल्कुल अलाइन में लगाएं, क्योंकि हिमालयन में एक तो वैसे भी राइट साइड जाती है तो अगर थोड़ा भी इधर उधर होगा तो और राइट जाने लगती है, तो ये खास करके ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ऐसी नई वीडियो के साथ, ठीक है, थैंक यू दोस्तों।